चारे वहां भी तू भी क्या क्या पकता है, चारे वहां भी तू भी क्या क्या पकता है, पकता है पकता है। अरे परतन जुल्ली मान बदले वाले का, परतन जुल्ली मान बदले वाले का। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजी जाने मिलत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये कैसर देवंदी जो सहारनपुर से है, इसने हमारे नूर हसन रजवी साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी किया है। जब ये ऑडियो इसके बाप चाचा ने सुना तो इसको बहुत पिटाई लगा, लेकिन फिर भी ये शैतान मानता नहीं। आप हजरात इस ऑडियो को सुने, इसमें देखें ये कितनी सारा बदतमीजी कर रहा है। आप हजरात इस शैतान को कॉल लगाकर भी पूछे, और मैं इसके बाप चाचा से मैं ये गुजारिश करता हूँ, इसको आप समझाएं, नहीं तो ये सारे देवबंदियों को ये पूरी तरह से जलील कर देगा। तो आप हजरात इस ऑडियो को सुने। जज़ाकअल्लाह खैर। अहमद रजा की जो तेरे बाप है, अहमद रजा जो अंग्रेजों का एजेंट था, उसकी किताब तो जाके पढ़ ले। तेरा बाप अहमद रजा फतवा रजिया में लिख देता है कि कद पीरों की कदम बोसी करना जायज़ है, सवाब है, कदम बोसी करो कदम चूमो, और साथ में लिखता है कि पीरों का जो लंड होता है वो मुंह में लेना भी जायज़ है। तो इससे पता चलता है कि तेरी माँ और बहनें जो है वो तेरा बाप अहमद रजा का जो लंड था वो मुँह में लेती थी तेरी माँ और बहन अभी, और तुम्हारी सारी बरेलियों की जो औरतें होती है ना वो अहमद पीरों का लंड जो है मुँह में लेती है, मुँह में चूसती है साले जब जाके तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तेरा बाप अहमद रजा ने फतवा रजिया में लिख रखा है कि पीरों का लंड मुँह में लेना सवाब है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्लाह, ये अकीदा तेरा बाप अहमद रजा का साले। मैं पूरी बरेलवियत को चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी बद मज़हब बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये बद मज़हब बरेलवियों से मेरा एक सवाल है कि भाई अहमद रजा फतवा रजिया में लिखता है कि एमबीए किराम से गलती सरजद वाकई हुई, गलती हुई, लेकिन इसका जिक्र हराम है कुरान हदीस के अलावा। अब हयात आला हजरत में आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत के शागिर्द लिखते हैं कि अहमद रजा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी अपनी ज़बान से गलत लफ्ज़ नहीं निकालते थे, यानी अंबिया कराम से गलती हुई लेकिन अहमद रजा से गलती नहीं हुई। अबे जो अंग्रेज़ों का पालतू कुत्ता था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों की जो एक साजिश के तहत ये फ़िरका वजूद में आया, वो बंदा, और उससे कोई गलती वाकई नहीं हुई, अंबिया कराम से गलती हुई माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, जबकि तमाम अंबिया कराम मासूम होते हैं, तमाम अंबिया कराम मासूम है, और ये अहमद रजा से गलती नहीं हुई। क्या मतलब भाई? तो इससे बताया जा रहा है कि अहमद रजा खुदा है, खुदा होने का। अब फतवा रजिया में अहमद रजा ने खुदा होने का दावा किया है, उस आदमी का सपोर्ट करते हो। अब बरेलवी है कहाँ की इंसानियत यार, ऐसे आदमी जो खुदा होने का दावा करे और अंबिया किराम पे तोहमत लगाए, माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अंबिया किराम पे तोहमत लगाता है, इससे पता नहीं चल रहा कि ये बरेलवी मुशरिक है, कब्र परस्त लोग हैं, ये अंग्रेज़ों की सोजिश समझी से एक साजिश के तहत चल रही है ये बरेलवी फ़िरका, और ये पूरे मुसलमानों को बदनाम करने के चक्कर में, मुसलमानों को बेइज्जती, मुसलमानों की बेइज्जती करा रखी है बरेलवियों ने। और इसका जो अहमद रजा था, ये इसके मुँह में रंड भी पेशाब करने का गवारा नहीं करती है, क्योंकि ये रंडियों के साथ बहुत कुछ करता था, इनका एक कोठा चल रहा है, इनका बरेली शहर में इसका एक कोठा है इसके नाम से, और मज़ारों पे जाके मज़ारों पे की जाते पता है सजदा करने से वो जाते हैं, जब बरेली लड़के सजदा करती है तो लड़की गांड पे हाथ फेरता है, अगर लड़की आए तो लड़की के चुत्र पे हाथ फेरता है, ये सब गांड मतलब यही इनका एक रिवाज, यही इनका ही है बरेलवियों का। तो आप हजरात ने इस ऑडियो को सुन लिया। अब मैं इसके जो बाप चाचा है उसने इसको पीटा है, तो इसके बाप चाचा से मैं गुजारिश करता हूँ, इस ऑडियो को अगर आप तक पहुँचता है तो इस ऑडियो को सुने और उसे समझाए, या क्या करें आप बेहतर जानते हो, नहीं तो सारा देवबंदी बदनाम हो जाएगा।